फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल सच्ची पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 3 फरवरी को आपका ITBP हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उसकी GS का सलूशन देखेंगे, ठीक है। GK जो आई थी उसका सलूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो मैथ्स के सलूशन के लिए बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है शब्द लव का संबंध किस खेल से है। तो इसका फ्रेंड्स आपका सी पार्ट से ही है, यानी लॉन टेनिस। जो आपका लव शब्द है ये लॉन टेनिस और बैडमिंटन दोनों से संबंधित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड, निम्न से कौन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, तो आपको ये पता है ये सुमित्रा महाजन है। नेक्स्ट है आपका 2019 में किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया गया, तो ये आपके प्रयाग इलाहाबाद। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है, तो ये आपका सरदार सरोवर बांध, यानी इसका बी पार्ट सही है। नेक्स्ट है आपका सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका 15 जनवरी, यानी इसका ए पार्ट सही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट आपको अगला आपको दिया गया था, अगला जो आपको फ्रेंड्स दिया गया था वो दिया गया था 103वां जो भारतीय संवैधानिक संशोधन वो किससे संबंधित। तो फ्रेंड्स इसमें हो सकता है ये ऑप्शन, मान लो इसमें हो सकता है अभी इसमें मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें जो 103 संविधान संशोधन है वो जैन धर्म को जो है अल्पसंख्यक में रखना है उससे संबंधित, यानी इसका हो सकता है डी पार्ट से जो, ठीक है। तो इसको आप आंसर की जब आ जाए ऑफिशियल तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये आपका मैसूर हो जाएगा। नेक्स्ट पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, वो आपका ग्रेफाइट होगा, यानी ए पार्ट। नेक्स्ट आपको बोला भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु, तो ये आपके 18 वर्ष होती है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका 6 वर्ष। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, तो वो आपकी 30 वर्ष होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आपसे बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका भारत राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी इसका बी पार्ट सही है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर होगा, केसर का सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो अगला है ये है भारत, इसमें थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा है, बस सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो ये फ्रेंड्स आपका 1901 में दिया गया था, यानी इसका जो 1901 सही होगा, यानी नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले 1901 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।